तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्लिप्सिस के बारे में। तो सबसे पहले तो एक्लिप्स होता क्या है? तो एक्लिप्स ऐसे सिचुएशन को कहते हैं कि जब एक पर्टिकुलर बॉडी जो कि आपको डेली रूटीन में नज़र आ रही होती है वो नज़र नहीं आती, ठीक है। जो आमतौर पर अर्थ पर दो एक्लिप्स होते हैं, एक होता है सोलर एक्लिप्स और एक होता है लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स से मुराद है कि जब हमें सन नज़र नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक नज़र आता है और यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो वो होता है सोलर एक्लिप्स। और दूसरी जो टाइप होती है वो होती है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स से मुराद ऐसा एक्लिप्स होता है जिसमें मून नज़र नहीं आता सही से, क्योंकि अर्थ उसके आगे आ जाती है। तो सबसे पहले सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स पूरे साल में तकरीबन एक दफ़ा होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे अच्छा एक दफ़ा होता है, हमने तो पिछले साल कभी देखा ही नहीं, सोलर एक्लिप्स नहीं हुआ था। तो सोलर एक्लिप्स सिर्फ 0.01% चांस होते हैं कि आप एक पार्टिकुलर जगह पे वो सोलर एक्लिप्स दिखे। मतलब उस जो पिछले साल जिस दिन सोलर एक्लिप्स हुआ होगा वो सिर्फ दुनिया में 0.01% लोग ही देख पाए होंगे, ठीक है। तो आप ये रख सकते हैं, ये दिमाग में रख सकते हैं कि इट वेरीज पर पर्सन, ठीक है, कि जो पर्सन सही एंगल पे उसके सामने खड़ा होगा तो उसको वहाँ पर पूरी जो ज़मीन है वो अंधेरी अंधेरी दिखेगी और ऐसे लगेगा अंधेरा है और सन गायब हो गया है, ठीक है। और ये पार्टिकुलर शहर और पार्टिकुलर मुल्क में होता है, ये ओवरऑल अर्थ पे नहीं होता, ठीक है। अब लूनर एक्लिप्स जो होता है उसमें हमें कोई इतना ख़ास फ़र्क हम देखते ही नहीं कभी चांद को, ठीक है, क्योंकि लूनर एक्लिप्स से मुराद होता है कि जब सन और मून के दरमियान हमारी अर्थ आ जाती है और अर्थ की शेडो के पीछे मून छुप जाता है। तो ये मून छुपता है तो हमें वो दिखता नहीं है ना पीछे वालों को, यानी पीछे से मुराद है कि अगर एक अर्थ है तो जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही सन की, ना उसको दिखेगा और ना ही हमें दिखेगा, ठीक है। ये होता है लूनर एक्लिप्स। और लूनर एक्लिप्स तकरीबन एक साल में दो दफ़ा होता है, लेकिन और वो वाजे होता है, हर जगह वाजे होता है, लेकिन हम उसको नोट नहीं करते और ना ही कभी हम मून को इतने गौर से देखते हैं कि वो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। अब जो सोलर एक्लिप्स होते हैं आप उनको अक्सर देखते होंगे लोगों को कि वो जी देखने जा रहे होते हैं लेकिन उनको मना किया जाता है कि वो ना देखें। तो उसमें क्या वजह होती है कि जब सन की जो आउटलाइन है ना, ठीक है, तो जब आउटलाइन है वो उसमें सबसे हार्मफुल रेज निकलती हैं, ठीक है। तो जब दरमियान वाली बिल्कुल बॉडी ब्लॉक हो जाती है मून की वजह से, तो वो जो डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट बाहर निकलती हैं, ठीक है, और हम तक पहुंचती हैं, और वो इतनी ज़्यादा मिकदार में होती हैं कि इसको ओजोन लेयर कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए आमतौर पर कहते हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, और अगर देखने भी जा रहे हैं तो वो एक ख़ास किस्म की ग्लासेस लगाई होती हैं जो कि उसको फ़िल्टर करती हैं। अच्छा, एक और बात यह है कि हम उसको क्यों देखते हैं सोलर एक्लिप्स को, उसके अंदर क्या खूबसूरत चीज़ होती है? अब उसके अंदर ये खूबसूरत चीज़ कोई नहीं होती, उसके अंदर ये होती है कि वो एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फिनोमेनन होता है। मतलब वो सिर्फ 0.01% चांस होता है कि एक जगह पे वो दिख सके। तकरीबन एक जगह पे वो जो सोलर एक्लिप्स होता है या लूनर एक्लिप्स, वो एक साल बाद सोलर एक्लिप्स वो देख सकता है एक पूरा शहर, ठीक है। तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी कहते हैं रेयर कोइंसिडेंस में वो हिस्सा लेते हैं। बहरहाल इसमें खूबसूरती के लिए नहीं देखते, वो इसको एंजॉय करने के लिए देखते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और इसकी मैं हिस्ट्री से रिलेटेड बात करूँगा कि जब सबसे पहले जो कौम थी वो थी रोमन्स। अब जो रोमन्स थे बहुत पहले और चाइनीज़, तो जब पहली दफ़ा सोलर एक्लिप्स दुनिया पे अर्थ पे नमूदार हुआ था तो उन्होंने समझा कि शायद जो सन है उसको कोई ड्रैगन खा गया है, और उन्होंने जी अपने तीर कमान से तीरों की जी उसके ऊपर बरसात कर दी, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद जी वो सूरज दोबारा निकल आया और उन्होंने समझा कि भाई ड्रैगन मर गया है। हालांकि बाद में पता चला ये ड्रैगन वगैरह का चक्कर ही नहीं है, और जो चाइनीज़ हैं वो आज तक उस ड्रैगन को पूजते हैं जिनको वो मानते थे कि उसने सन को खा लिया था, हालांकि वो सोलर एक्लिप्स था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, आपने बताना सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। अल्लाह हाफिज़।